नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है एंड फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हम बादाम मिल्क शेक बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं जो कि वज़न में लगभग 80 ग्राम है और मैंने इन्हें ओवरनाइट भिगो दिया था पानी में। तो आप देख सकते हैं बादाम भीग चुके हैं और यहाँ पर मैंने 5 से 6 इलायची ली थी, इनको भी मैंने भिगो दिया था साथ में। इलायची भी भीग के एकदम फूल चुकी हैं। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है जो कि 1 लीटर है। अब हम 1 कप दूध लेंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, ये वनीला फ्लेवर वाला है। तो इस कस्टर्ड पाउडर को हम इस दूध में मिला देंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और हम बादाम को छील लेंगे। ये अच्छे से भीग चुकी है, इन्हें छीलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये छिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बादाम का छिलका हमें हटा देना है चारों तरफ से। मैं एक और छील के दिखाती हूँ आपको, बस इसी तरह हमें सभी बादामों को छील लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी बादाम छील लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने मीठे के लिए मिश्री ली है, अगर आप चाहें तो बूरा भी ले सकते हैं या फिर शुगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री है तो यहाँ पे मैंने मिश्री ली है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो हम बादाम को, जिनको भी हमने छील लिया था बादाम, इलायची और मिश्री, सभी को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। सभी को मिक्स करके हम पीस लेंगे इनको। तो आप देख सकते हैं बादाम को हमने पीस लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। वापस से हम गैस ऑन कर देंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें दूध डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लें और सारे दूध को अच्छे से पका लेंगे हम, जब तक कि दूध 600 ml ना रह जाए, आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 3/4। तो आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ जो बादाम है उसे हम डाल देंगे, इसमें बादाम के पेस्ट को इसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, वापस से मिला देंगे सभी को। दूध अच्छे से बॉईल होने लगा है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला दूध भी ऐड कर देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद में इसे हम दूध में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे दूध को इसमें मिला दिया है, वापस से एक बार इसे चला देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी शुगर या फिर बूरा इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूध एकदम अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ है तो ठंडा होने के बाद में और भी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं इस तरह, चम्मच को वापस से उल्टा करके देखें, थोड़ा ठंडा होने के बाद आप देखें कि एकदम लाइन बन रही है, अच्छे से दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखें, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा भी है मिल्क शेक। और अब हम इसे किसी एक बाउल में निकाल लेंगे।
मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी और इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको तुरंत ही सर्व करना है तो आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और फ्रीज से भी बाहर निकाल लिया है। अब चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो मैं इसे ग्लास में सर्व कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू भी डाल दूंगी इसमें, 1-2 केसर के धागे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।